एक और कांटे की टक्कर, दो वो टीमें जिन्होंने अपने मैचेस जीते हैं, किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने पहला मैच कमाल का मैच खेला था चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध, संजू सैमसन की कमाल की बल्लेबाजी और मास्टर स्ट्रोक उनके द्वारा, स्टीव स्मिथ के द्वारा प्रारंभिक बल्लेबाजी कराना, ये शायद सही नंबर है स्टीव स्मिथ के लिए, क्योंकि वहाँ से पूरे 20 ओवर खेल सकते हैं, और अगर वो 70-80 रन बनाते हैं तो टीम का स्कोर 180-190 रन बनने की संभावना रहती है। और जितनी भी तारीफ़ की जाए संजू सैमसन की, मैं बार बार इसी बात का जिक्र करता हूँ कि संजू सैमसन अभी तक भारतीय टीम का हिस्सा क्यों नहीं। संजू सैमसन ना केवल बढ़िया बल्लेबाज हैं, आक्रामक बल्लेबाज हैं, बल्कि उतने ही बढ़िया विकेट कीपर हैं जितने बढ़िया विकेट कीपर ऋषभ पंत या उनसे बेहतर ही होंगे। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत पर दबाव डालने के लिए संजू सैमसन को प्रमोट करना ज़रूरी, और बार बार लगातार वो चयनकर्ताओं को रिमाइंडर देते रहते हैं, अवगत कराते रहते कि मैं भी हूँ, और दरवाजे पर नॉक नहीं कर रहे हैं, दरवाज़ा पीट रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जहाँ तक राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी का सवाल, जॉफ्रा आर्चर उस टीम का हिस्सा है, जयदेव उनादकट उस टीम का हिस्सा है, श्रेयस गोपाल ने अच्छी गेंदबाजी की, राहुल तवेतिया ने अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि टॉम करन थोड़े महंगे ज़रूर साबित हुए, लेकिन उनके पास विकल्प हैं। जोजे बटलर की वापसी उन्हीं लगभग तय है, और जोजे बटलर आने के बाद स्टीव स्मिथ का रोल क्या रहेगा इस पर निर्भर करेगा। और लेकिन काफ़ी शक्ति, मेरे को लगा नहीं था कि इतनी बेहतर टीम है, लेकिन और फिर जो बेन स्टोक्स भी हम सुन रहे हैं कि शायद पहले वीक ऑफ अक्टूबर में वापसी है, उनके आने से टीम में और मजबूती प्रदान होगी। तो कहीं ना कहीं सर्वगुण संपन्न दिखाई दे रहे अभी तक, लेकिन कहते हैं 2020 में कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की, जितनी भी तारीफ की जाए कब, जिस तरह कप्तान ने पारी खेली, एक बार फिर साबित किया है कि वो, अगर मैं कहूं कि बिग थ्री में उनको अगर शुमार कर सकते हैं भारतीय क्रिकेट में, तो गलत नहीं होगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल कम से कम उनके कदमों पर चल रहे हैं, और अपेक्षा उनसे काफ़ी। और जिस तरह की उन्होंने पारी खेली, हालांकि विराट ने दो आसान से कैच छोड़ दिए जो अनलाइक विराट है, यही कह सकते हैं बैड डे इन द ऑफिस। लेकिन जितनी अकेले 132 रनों की पारी, अपने आप हालांकि अच्छी शुरुआत ज़रूर थी मयंक अग्रवाल के साथ, लेकिन अच्छी खासी पारी उन्होंने खेली और टीम को जिस मुकाम तक पहुँचाया वहाँ से उभरना संभव नहीं था। लेकिन एक बात तय है कि उनके पास रवि बिश्नोई के रूप में एक अच्छा खासा स्पिनर आ गया है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी टीम उनके पास तैयार है। और यही अपेक्षा है कि ये कांटे की टक्कर होने की संभावना, लेकिन केएल राहुल पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि कहीं ना कहीं मुजीबुर रहमान को आप खिला सकते हैं, जिस तरह क्रिस जॉर्डन की बजाय आपने निशम को खिलाया है, तो हो सकता है कि आप निशम के बजाय अगर मुजीब को खिलाएं तो शायद बेहतर होगा। खैर, ये तो अनिल कुंबले का मसला है, क्योंकि दो लेग स्पिनर खेल रहे हैं उनके लिए, तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन एक बात तय है कि कांटे की टक्कर, और ये भी तय है कि ये पूरा रोमांच आपको इस मैच में मिलने की संभावना है। एक तरफ युवा संजू सैमसन और दूसरी तरफ केएल राहुल, लेकिन पंजाब की जो टीम है, बल्लेबाजी है, वो काफ़ी सशक्त दिखाई दे रही है, चाहे आप मयंक अग्रवाल की बात करें, करुण नायर की बात करें, निकोलस पूरन की बात करें, मैक्सवेल की बात करें। अभी तो इतना स्कोर बन गया है मैक्सवेल और पूरन के ना चलने के बाद, अगर वो चल निकलते हैं तो फिर क्या होगा। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय राजस्थान रॉयल्स के लिए। मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ, तब तक ही।